तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने श्योरली इंटरेस्टिंग रिचुअल में। और मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि मैं थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ, तो बात करने वाला हूँ कि प्रॉपर कोल्ड कॉलिंग कैसे करी जाए और क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे तो हमारी कोल्ड कॉलिंग और इफेक्टिव होगी और सेल के चांसेस और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वही मैं डिस्कस करूँगा। और दूसरी चीज़ मैं एक और पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये मेरी पर्सनल थॉट्स हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये कहीं भी ऐसा कहीं पर लिखा नहीं हुआ, तो प्लीज़ जज मत करना कि भाई ये ऐसे होता है वो ऐसे होता है। आपके अपने एक्सपीरियंस है, अपना थॉट्स है, बिल्कुल हो सकता है आप इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जो मेरा है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्प करेगा, क्योंकि मैं भी एक जॉब में हूँ जहाँ पे कोल्ड कॉलिंग में करता हूँ और सेल के लिए मैं जाता हूँ, तो मेरे लिए हेल्पफुल हुआ है, तो ऑब्वियसली आपके लिए भी हेल्पफुल होगा अगर आप ट्राई करेंगे तो। ठीक है, और वीडियो पूरी एंड तक देखना, जो मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि कुछ ही पॉइंट आप मिस हो जाएगा आपसे तो फिर मज़ा नहीं आएगा वीडियो देखने में, ना ही समझ में आएगा, फिर अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अपने सीनियर से सीखा है, तो कोल्ड कॉलिंग को मोस्ट इफेक्टिव बनाने का पहला जो तरीका है वो ये है कि आप अपनी कंपनी के लिए एज अ एडवोकेट, एज अ वकील आप जाते हो कहीं भी किसी भी कस्टमर के पास में। शांति बना रहे हो, सारी चीज़ें बताऊँगा एक एक करके। तो मैंने ऐसा क्यों बोला, एक वकील होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो हर कस्टमर को 100% सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो जब भी आप कोल्ड कॉलिंग में जाते हो ना, सबसे बड़ा रोड़ा जो आपके पास आता है ना, वो एक नेगेटिव कस्टमर आता है। नेगेटिव कस्टमर मतलब उसका कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस है लास्ट का आपकी कंपनी के साथ में, जिससे वो आपसे दोबारा वो नहीं लेना चाहता है। आप ऐसे कोल्ड कॉलिंग वहाँ पे जाते हो तो आपको कस्टमर की बात सुननी है, डेफिनेटली सुननी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कस्टमर की बात आपको नहीं सुननी है, लेकिन आपको जो तरफदारी करनी है वो अपनी कंपनी ही की ही करनी है, क्योंकि आप उसके लिए एज अ वकील जाते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ मैं। जैसे मैं जसदैल की बात कर लेता हूँ, जसदैल का ही मैं एम्प्लॉई हूँ, तो क्या बताऊँ मैं, तो बहुत से लोग यहाँ पे बोलते हैं कि भाई आउट ऑफ एरिया इंक्वायरीज आती हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा एक पॉइंट रहता है, तो इसमें पता हम क्या बोल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा है सबके लिए ही बोलो, आप अलग अलग अपना ऐड कर सकते हो, मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कस्टमर की बात से एग्री करो कि सर हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बाहर से ज़रूर आती होंगी इंक्वायरीज, आप गलत नहीं कह रहे। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है ना, एक अलग तरीका होता है कि जिससे बाहर आपको लगती है, क्योंकि क्या है ना, अब जसदैल में एक ऑप्शन होता है सर्च करने का कि आप दिल्ली में बैठ के भी मुंबई की जगह सर्च कर सकते हो, मुंबई में बैठ के हरियाणा पे कुछ सर्च कर सकते हो, जयपुर बैठ के आंध्र प्रदेश में सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो हो सकता है ना कोई बंदा जैसे दिल्ली का है और उसको गाज़ियाबाद में किसी ने पैकेज ले रखा, उसको दिल्ली की इंक्वायरी आ रही है, तो ऐसा भी तो होता है कि दिल्ली का बंदा गाज़ियाबाद में कुछ सर्च कर रहा हो, इसलिए उसका वो दिख रहा हो कि भाई किसी बंदे ने दिल्ली से इंक्वायरी करी है, हो सकता है ना। तो एटलीस्ट आपको वहाँ पे कॉल करना ज़रूरी है कि क्या पता आपके लिए ही उसने सर्च किया हो, गाज़ियाबाद के लिए ही वो सर्च कर रहा हो, तो आपने सिर्फ वहाँ पे इंक्वायरी में देखा दिल्ली से इंक्वायरी, आप भड़क गए सर कि भाई मुझे नहीं करना है, दिल्ली से इंक्वायरी आ रही है, बार बार से आ रही है, यहाँ क्या बोलते हो गाज़ियाबाद से आ ही नहीं रही है, मुझे नहीं चाहिए आपका पैकेज। तो कस्टमर समझेगा आपकी बात को कि हाँ आप सही कह रहे हो, कि हो सकता है किसी बंदे ने ऐसे करके इंक्वायरी करी हो, तो इसलिए मुझे दिल्ली की दिखा रहा हो। तो एक एग्जाम्पल था कि कैसे एज ए एडवोकेट आप अपनी कंपनी के लिए काम कर सकते हो। एज ए एडवोकेट से कहने का मतलब मेरा ये था कि कभी भी अपनी कंपनी को लेट डाउन नहीं करना है किसी भी कस्टमर के सामने, क्योंकि जहाँ आपकी कंपनी लेट डाउन हुई आप भी वहाँ पर डाउन हो जाओगे, साथ में आपका मोटिवेशन भी डाउन हो जाएगा, और वहाँ पर ये समझो 0% चांस होगी कि वो कस्टमर आपसे प्लान लेगा, पैकेज लेगा, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो लेगा, क्योंकि उसके सामने आपकी कंपनी की वैल्यू डाउन हो गई। तो वो आपको डाउन नहीं करनी है, उसको अप ही लेके जाना है। तो कुछ भी हो, कितनी भी नेगेटिव बात हो, कितनी भी गलत बात हो, आपको बस उसको एक पॉजिटिव वे में उसको बताना है कि क्या इसका पॉजिटिव क्या बोलते हैं, क्या इसका पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है और क्या हुआ होगा जिसकी वजह से गलती हुई है। पहला पॉइंट तो ये रहा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में कहना चाहूँगा कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, साथ में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बारे में भी सारी नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें किस तरीके का फंडा है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम केवल ओवरव्यू ले लेते हैं अपने प्रोडक्ट का कि ये ऐसे ये वैसे वैसे, लेकिन कई बार क्या होता है ना, कस्टमर ऐसा मिल जाता है वो कहना एकदम डिटेल्स में जानना चाहता है सारी चीज़ें। ठीक है,
ठीक है, अभी मैं आपको एक्सपीरियंस बता दूँ, ये शायद कल ही परसों की बात है, मेरे साथ हुआ है। जस्ट डायल में क्या है ना, एक ऊपर बैनर चलता है, ठीक है, आपने कभी justdial.com वेबसाइट ओपन करी होगी डेस्कटॉप या लैपटॉप पे, ऊपर एक बैनर फ्लैश होता है, वो भी हमारा एक प्रोडक्ट है जिसको हम अलग से सेल आउट करते हैं। तो अभी तक हम क्या बताते थे कि भाई सर आपको प्रोडक्ट लेना, उसके बारे में जो बताते हैं बता रहा हूँ आपको कि सर एक प्रमोशनल बैनर होता है जिससे क्या है कि जिस भी एरिया के आप पिन कोड्स लोगे वहाँ पे आपका ये एड शो होगा और कोई भी कस्टमर इस पर क्लिक करके आपकी सारी डिटेल्स देख सकता है। नॉर्मली हम यही बताते थे, कस्टमर भी ये सुनता था कि हाँ ठीक है, हाँ बोलता था या ना बोलता था। अब परसों मुझसे एक कस्टमर टकराया, वो मुझसे पता ऐसी चीज़ पूछने लगा कि जो चीज़ कभी हमारे मीटिंग में या ग्रुप में कभी डिस्कस ही नहीं हुई, ठीक है, तो उसके लिए मुझे कॉन कॉल करानी पड़ी थी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपको सारी 0.01% जो होती है डिटेल की, ये काम की नहीं, वो भी आपके पास होनी ही चाहिए। तो उसने क्या पूछा, तो बैनर क्या है ना, फ्लैश होता है, जैसे कि एक एरिया में से 5 लोगों ने किसी कैटेगरी में बैनर लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मान के चलो एलिवेटर मैन्युफैक्चरर वालों ने लिया हुआ, 5 लोगों ने, तो वो क्या है ना रोटेट होता है, एक आ गया उसके बाद दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पाँचवा, फिर पहला आ गया, इस तरीके से रोटेट होता रहता है। अब वो बंदा मुझसे क्या पूछ रहा है कि जो प्लान में उसको दे रहा था वो 10 साल वाला दे रहा था, तो उसका कहना ये था कि भाई मुझे कोई फिक्स टाइम बताओ कि आप मेरा जो बैनर है वो कितने टाइम के लिए दिखेगा, मान के चलो 1 घंटे में कितना टाइम दिखेगा, कितनी बार रोटेट होगा, और 10 साल में कोई आपका फिक्स अमाउंट है कि इतने लोगों को बैनर दोगे या फिर अनलिमिटेड लोगों को बैनर दोगे। ये कुछ ऐसे सवाल थे जो आज तक ना किसी कस्टमर ने पूछे थे, ना ही हमारी कंपनी में डिस्कस हुए थे, क्योंकि इतना डीपली कोई जाता ही नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा कस्टमर मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक्सपीरियंस आपके साथ भी हो सकता है, तो कभी भी उस नॉलेज को ये मत कहना कि यार इतना ही काफ़ी, ओवरव्यू लोग पूछते भी नहीं हैं, भले ही ना पूछे पर आपके पास उसका जवाब होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर किस लिए, क्योंकि कस्टमर हमेशा ना एक बात ज़रूर कहता है कि भाई जो कॉम्पिटिटर उसका नाम ज़रूर लेगा, अगर वो एक्सपीरियंस बंदा होगा, अगर वो आपकी जो कैटेगरी या जो बिज़नेस आप करते हो वो यूज़ कर रहा है जैसे ऑनलाइन प्रमोशन, तो भले ही उसने अपोजिट जो कंप्यूटर आपको उसका प्लान लिया हो ना लिया हो, लेकिन उसके बाद ज़रूर करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया मार्ट का बहुत सारे लोग नाम लेते हैं, अगर मैं जस्ट डायल कहीं भी बात पर करता हूँ कि भाई इंडिया मार्ट वाले ऐसा ही देते हैं, इंडिया मार्ट वाले वैसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो आपके पास उसका तुरंत जवाब होना चाहिए कि सर इंडिया मार्ट में ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो ये एक पॉइंट बताया मैंने, कहने का मतलब आपको कॉम्पिटिटर की भी सारी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या उसके पैकेज हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें वो प्रोवाइड कराते हैं, किस तरीके से प्रोवाइड कराते हैं, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कहीं भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, खासकर जब आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो, क्योंकि कस्टमर सबसे पहले जाता है आपके कॉम्पिटिटर की तरफ, भले वो उसने लिया हो या ना लिया हो, लेकिन उसकी बात ज़रूर करेगा, क्योंकि एक स्वभाव होता है ना किसी भी कस्टमर का, आप भी कहीं कस्टमर बन के जाते हो तो कहते हो ना यार कि जैसे कुछ मोबाइल ख़रीदने गए तो कहते हो ना कि भाई यार अमेज़ॉन पे इतना कम मिल रहा है यार, फ्लिपकार्ट पे इतना कम मिल रहा है यार, तुम इतना क्यों दे रहे हो। एक रहता ना कि भाई हमें चीप प्रोडक्ट चाहिए और बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, तो कस्टमर का एक ये क्या बोलते हैं बिहेवियर होता है, वो कॉम्पिटिटर की बात ज़रूर करेगा, तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए कि नहीं सर उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें इस तरीके से होता है, तो वो भी समझ जाएगा कि बंदे को नॉलेज है, मैं उसको घुमा नहीं सकता। दो पॉइंट हो गए। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब भी कोल्ड कॉलिंग में जाते हो ना तो सबसे पहला जो आपका एक्सप्रेशन होता है, यानी कि जो एंटर करते हो किसी भी बिजनेस में या फिर शॉप में, कहीं भी वाट एवर जहाँ भी आप ऑफिस में जाते हो, तो आपका जो फर्स्ट क्या बोलते हैं इम्प्रेशन जो होता है, फर्स्ट जो आपका लुक होता है, और पहली जो आपकी 10-15 सेकेंड की कन्वर्सेशन होती है, 90% डील आपकी वहीं फिक्स हो जाती है कि सामने वाला बंदा आपकी बात से इम्प्रेस हुआ है या नहीं है, वो आपका प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा, ठीक है। क्योंकि बंदा ना, आप कोई बंदा 36,000, 30,000, 50,000, 60,000, 1,00,000 पैसे किसको देगा, वो उसी को देगा कि उसको उस पर ट्रस्ट होगा कि भाई मैं इसको पैसे दूंगा तो ये मेरे पैसे सही जगह लगाएगा और मेरे पैसे वसूल होंगे, वो ऐसे चलते फिरते किसी को थोड़ी देते कि हाँ भाई तू 50,000 ले ले, 30,000 ले ले, जब उसका पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं इस बंदे पे पैसे लगा रहा हूँ। और हमेशा याद रखना, कोल्ड कॉलिंग जब आप करते हो ना तो बंदा कंपनी का नाम अच्छा है आपका बैकअप बनाता है, लेकिन पैसा ना आपके ऊपर लगाता है बंदा,
कोई कंपनी उसके पास चल के नहीं जाती, आप चल के जा रहे हो, आप उसके लिए कंपनी हो, तो आपकी जो कन्वर्सेशन है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपको देख कर ही वो पैसा लगाता है, यानी कि पैकेज लेता है, प्रोडक्ट लेता है, जो भी वर्ड एवर आपकी चीज़ें हैं। तो आपकी जो कॉन्फिडेंस ना वो सबसे हाई होना चाहिए। तो हमेशा आपको क्या करना है ना, आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको सारी नॉलेज होगी ना तो आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली हाई होगा। तो मैं क्या सोच के जाता हूँ, हमेशा ये सोच के जाओ कि भाई मैं जस्ट डायल से हूँ, वो थोड़ी जस्ट डायल से है, उसको जस्ट डायल के बाद कुछ पता थोड़ी है, मुझे पता है ना सारी चीज़ें, तो जैसे मैं बताऊँगा वैसे होगा, सारे क्वेश्चन के आंसर मेरे पास हैं क्योंकि मैं हूँ जस्ट डायल से, मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, उसे कुछ नहीं पता है। तो आप इस तरीके से जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा और लेवल अप हो जाएगा कि भाई आपको पता है सारी चीज़ें जिस प्रोडक्ट के बारे में या जिस कंपनी से आप जा रहे हो। तो सामने वाले को तो आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो ना अपनी कंपनी के बारे में, तो आप उससे बेटर बता पाओगे, आपसे आपको उससे बेटर नॉलेज है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है ना, अगर आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो तो कभी भी अपने मन से ये डिसाइड मत करना कि भाई ये बंदा पैकेज ले सकता है, ये बंदा पैकेज नहीं ले सकता। ये सबसे बड़ी गलती होती है भाई साहब, मैंने बहुत भुगती है, ये स्टार्टिंग में मैंने किया था। तो होता क्या था, कोल्ड कॉलिंग जब करते हैं ना तो बंदा क्या है ना अपने, तो या तो समझ लो कि थक जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो अपने आप माइंड मेकअप बनाने लगता है कि यार ये ले सकता है, इसके पास चलते हैं, ये नहीं ले सकता यार, ऐसे कुछ पता नहीं लग नहीं रहा है, ये ले सकता है, तो ऐसे हम अपने माइंड में बना लेते हैं। तो ये गलती कभी मत करना, हमेशा सारी, अब जो भी अभी कैटेगरी है, जिस भी बिजनेस में आप डील करते हो, आप सबके पास जाओ, लेना या नहीं लेना वो कस्टमर के ऊपर है, वो डिसाइड करेगा। आपका काम क्या है, आपका काम है प्रेजेंटेशन देना उनके पास जाके, ऑफिस हो, शॉप हो, बिजनेस हो, कहीं पे हो, आपका काम क्या है वो आपको करना है। लेट द कस्टमर डिसाइड कि उसको लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ये बहुत बड़ी गलती की थी, जब मैं स्टार्टिंग में जस्ट डायल में आया था तो मैं भी यही माइंड मेकअप करता था, मैं भी यही माइंड मेकअप कर लेता था कि यार ये कस्टमर लेगा, ये कस्टमर नहीं लेगा, यार ये तो बेकार है, ये लग नहीं रहा है, इतना पैसा दे पाएगा। और कई बार क्या होता था, मैं जिस कस्टमर की सोचता था कि वो नहीं लेगा, तो अगले दो तीन दिन मुझे पता चलता कि भाई इसी ने पैकेज ले लिया। अब सोचो मुझे कितना अफसोस होता होगा उसके बारे में कि यार मैं कह रहा था बंदा नहीं लेगा और उसी ने पैकेज ले लिया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, हमेशा जो आपका काम है वो आपको करना है और बिना रुके करना है। ऐसा माइंड मेकअप नहीं बनाना ही नहीं है ना कि भाई ये बंदा ले सकता है नहीं ले सकता, वो उसके ऊपर छोड़ दो। आपको बस अपना काम करना है, आपको सारे जो आपका एरिया है वहाँ आप जाओ, सबके पास जाओ। भाई सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बंदा क्या करेगा, मना ही तो करेगा कि भाई नहीं लेना, मारेगा तो नहीं आपको, बैठा तो नहीं लेगा कि पुलिस के पास भेज देगा आपको, ऐसा तो नहीं करेगा ना, सिर्फ मना ही तो करेगा कि हाँ सर मैं यहाँ से आया हूँ, जैसे ये प्रोडक्ट है हमारा, भाई इतना इंटरेस्ट नहीं है, या फिर बताता हूँ, ये दो चार चीज़ें कहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा ना, जान से थोड़ी मार देगा आपको। तो यही आपको काम करना है, सारे बिजनेस, सारे शॉप, सारे ऑफिस पे जाना है, कभी माइंड मेकअप ये मत कर लेना कि भाई ये लेगा नहीं लेगा, ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपके लिए। तो मेरे ख्याल से यही तीन चार पॉइंट है कि अगर आप ये तीन चार पॉइंट को कवर कर लोगे ना तो कोल्ड कॉलिंग आपकी बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। सबसे पहला क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए एकदम, ऐसा नहीं कि लूज जा रहे हैं यार कि हेलो सर मैं यहाँ से आया हूँ। यार खुद सोचो ना यार, आपके पास कोई बंदा आएगा ऐसे डिमोटिवेट, तो आपके पास सुनोगे नहीं सुनोगे ना, आप अपने से एक अट्रैक्टिव पर्सन की बात सुनते हो, आपको लगता है कि वो आपसे ज़्यादा जानता है तभी आप उसकी बात सुनते हो, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से, जब आपको आपके प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, सारी नॉलेज होनी चाहिए, सारी ए टू जेड, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक भी पॉइंट आपको छूटना नहीं चाहिए। आप खुद एज ए कस्टमर बन के सोचो कि कस्टमर क्या क्या सवाल पूछ सकता है, उसके साथ साथ आपको अपने कॉम्पिटिटर की नॉलेज भी होनी चाहिए जो आपके फील्ड में है। क्योंकि कस्टमर हमेशा हमेशा, अगर वो बहुत पुराना कस्टमर है तो ज़रूर आपके कॉम्पिटिटर की बात ज़रूर करेगा, वो ज़रूर कुछ ना कुछ टॉन्ट मार देगा कि भाई आपका ये फलाना है, ये तो यार इतने में दे रहा, आप इतने में दे रहे, ऐसा क्यों। तो आपका पास उस चीज़ का तुरंत जवाब होना चाहिए कि सर वो ऐसा इसलिए, और वो ऐसा नहीं दे रहा, वो इस रेट में दे रहा है। तो उसका दिमाग भी घूमना चाहिए कि पता है कि बंदे को नॉलेज है, हम उसको घुमा नहीं सकते। थर्ड जो चीज़ है वो इसी से कोरिलेट है, वो आपको एडवोकेट बन के आना अपनी कंपनी का, कहने का मतलब कहीं भी आपको अपनी कंपनी की इमेज लेट डाउन नहीं देनी है। अगर कहीं भी आप कंपनी की इमेज लेट डाउन हो गई तो 110% वो बंदा आपसे पैकेज नहीं लेगा। क्योंकि कई बार ना कस्टमर यही चेक करता है कि भाई मैं इस कंपनी की बुराई कर रहा हूँ,
या फिर कुछ नेगेटिव चीज़ें बता रहा हूँ, तो ये बंदा रिएक्ट कैसे करता है? अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे, मैं यकीन ये नहीं कह रहा कि एक्सेप्ट मत, अगर कुछ गलत चीज़ है उसको एक्सेप्ट करो, तो उसका पॉसिबल सोल्यूशन भी बताओ साथ में, किस तरह इसका पॉसिबल सोल्यूशन ले सकता है, या फिर पॉसिबल रीज़न क्या रहा होगा इस चीज़ का होने का, वो भी आपके पास होना चाहिए, जिससे कि बंदे को लगे कि हाँ बंदे में कुछ बात है। आपको अपनी कंपनी कभी भी लेट डाउन नहीं होने देनी। अगर आपने ये कर दिया तो समझो आपकी वो सेल गई, कोल्ड कॉलिंग आपकी बेकार गई। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है कि कभी भी अपने मन से नहीं डिसाइड करना है कि कौन बंदा पैकेज ले सकता है कौन बंदा नहीं ले सकता। पैकेज मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप अपने वे में ले सकते हो, आपका प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, कुछ भी हो, वो आपको अपने आप डिसाइड नहीं करना है। आपका काम क्या, कोल्ड कॉलिंग, आपको जाना है सबके पास में वन बाई वन, लेट द कस्टमर डिसाइड कि उसको लेना है या नहीं लेना है। आपका काम है सबके पास जाना, इसी बात की वो सैलरी मिल रही है, आपको वो करना प्लीज़। क्योंकि आप ये करोगे ना कि ये नहीं लेगा, वो लेगा, वो नहीं लेगा, ये लेगा, बहुत लॉस में चले जाओगे, बहुत दुख होगा आपको। मैं आपको 100% जो एक्सपीरियंस हुआ है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही 3-4 पॉइंट, अगर आप 3-4 इन पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी कोल्ड कॉलिंग इम्प्रूव होगी और रिजल्ट कहीं ना कहीं पहले से जल्दी आएगा और पहले से बेटर आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो मेरी पसंद आई हो, मेरा जो एक्सपीरियंस है शायद आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अगर कोई पार्ट आपको ज़्यादा पसंद आया तो आप कमेंट में बता सकते हो, या फिर आपके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मैं बता रहा हूँ तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो, कुछ सजेशन हो नेक्स्ट वीडियो के लिए तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, और अगर आपके कोई दोस्त हैं जो सेम फील्ड में हैं तो उनके पास भी आप शेयर करके पहुँचा सकते हो, शायद उनकी कुछ मदद हो जाए। ठीक है, तो मिलते के लिए किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। टाटा।